हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेडियल सिमेट्री ऑफ एकाइनोडर्म तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एकाइनोडर्म की जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी रेडियल सिमेट्री तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड उसके बाद हम पर्टिकुलरली इसे एकाइनोडर्म के केस में कंसीडर करेंगे So, ये जो है एक इजी क्वेश्चन है सो रेडियल सिमेट्री वो कंडीशन होती है जब बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के थ्रू कोई भी प्लेन अगर पास किया जाए एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी तो वो बॉडी को डिवाइड कर देगा इन टू टू इक्वल हाफ्स। यानी बॉडी बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो इस तरीके की सिमेट्री को जहां किसी भी प्लेन में हमें टू इक्वल हाफ्स मिले तो उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है अब यदि हम एकाइनोडर्म्स के केस में देखें सो so, इनकी जो बॉडी है दैट इज सेंट्रल डिस्क शेप बॉडी हमें देखने को मिलती है सो so, ये इनका बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है So, इस स्ट्रक्चर की वजह से ही मेनली हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सो so, यदि हम एकाइनोडर्म में लार्वल स्टेज को देखें सो लार्वल स्टेज में जो हमें सिमेट्री देखने को मिलती है दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री यानी केवल एक ही प्लेन में बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है बट जैसे ही ये लार्वा एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो इसमें मोस्टली हमें फाइव आर्म्स देखने को मिलते हैं सो so, इसकी जो सिमेट्री सीमेट्री होनी चाहिए थी वो अब रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है यानी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग किसी भी प्लेन में अगर उसे कट किया जाए तो हमें टू इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे सिंस फाइव आर्म्स प्रेजेंट हैं तो इस वजह से मोस्टली पेंटा रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है यानी फाइव प्लेन्स में रेडियल सिमेट्री हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तो जैसा कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सिमेट्री ऑबेन की गई थी दैट इज बायलेटरल सिमेट्री तो इसे प्राइमरी सिमेट्री कहा जाता है वेर एज सिंस रेडियल सिमेट्री बाद में आई बाद में अटेन करी गई सो रेडियल सिमेट्री को इस केस में सेकेंडरी अडप्टेड सिमेट्री कहा जाता है डायग्रामेटिकली अगर हम इसे समझें तो यहाँ जो डायग्राम दिया है दिस इज ऑफ अ तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें फाइव आर्म्स हैं एंड ऑल्सो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रही है दिस इज़ द प्लेन अलॉन्ग विच हम इसे कट कर सकते हैं सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव डिफरेंट प्लेन्स में हम अगर इसे कट करें तो हमें इक्वल हाफ देखने को मिलेंगे सो so, इसी वजह से इसे पेंटा रेडियल सिमेट्री कहा जाता है सो so, अब यदि क्वेश्चन को हमें आंसर करना है राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडियल सिमेट्री ऑफ ए काइनोडर्म तो हम कह सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री इज द द द कंडीशन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ फिर हम एकाइनोडर्म को पर्टिकुलरली कंसिडर करके लिख सकते हैं कि सिंस इसमें सेंट्रल डिस्क शेप्ड बॉडी मिलती है एंड फाइव आर्म्स हमें एडल्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं इस वजह से इट हैज Symmetry, जो की एक सेकेंडरी अडाप्टेड सीमेट्री है बिकॉज द प्राइमरी सिमेट्री वॉज बायरल इसके बाद हम इस डायग्राम की मदद से अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं सो दिस विल बी अनल आंसर होप्डरस्ट इट वेल बेस्ट ऑफ द